टुडे यूनिट 10 फिजिकल इलनेस एक्सपीरियंसेस 2 जिसका पहला टॉपिक है अक्यूट एंड क्रोनिक पेन। उसके बाद हम लोग क्रोनिक इलनेसेस भी पढ़ेंगे। सो अक्यूट एंड क्रोनिक पेन, पेन कैन बी एन आउटकम ऑफ एक्चुअल और थ्रेटन्ड डैमेज और इरिटेशन ऑफ टिश्यू। पेन जो होता है वो आउटकम होता है किसी एक्चुअल या फिर थ्रेटन्ड डैमेज का या फिर इरिटेशन ऑफ टिश्यूज का, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि एक इंडिविजुअल को डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस करना पड़ता है या फेस करना पड़ता है, बोथ सेंसरीली भी और इमोशनली भी। सो जो टर्म क्लिनिकल पेन है वो हम तब यूज़ करते हैं या वैसे पेन के लिए यूज़ करते हैं जिसको प्रोफेशनल केयर की ज़रूरत है, ठीक है। सो अगर क्लिनिकल पेन आया तो ये होगा कि अगर उसको, अगर ऐसा कोई पेन है जिसको प्रोफेशनल केयर की ज़रूरत है वो क्लिनिकल पेन है। दो इट्स एक्सपीरियंस इज नेगेटिव, लाइक पेन कभी पॉजिटिव नहीं होता है, हमेशा नेगेटिव ही होता है क्योंकि वो पेन है, ठीक है, दर्द है। सो पेन इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट नीड्स, इट लेट्स एन इंडिविजुअल टू सीक ट्रीटमेंट, ठीक है, मतलब उसकी ज़रूरत भी है हमें। पेन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ताकि हमें पता चले कि हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है और हम उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करवा पाए। अगर हमारा कोई पेन होगा नहीं हमारी बॉडी में तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसीलिए हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हमें पेन की ज़रूरत है ताकि हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकें। सो पेन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कॉम्प्लेक्स, पेन को हम लोग कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, या एज वेल एज मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना। ये एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना भी है एज इट हैज़ मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं इसके, साइकोलॉजिकल, नेमली साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, कोग्निटिव और इमोशनल, ठीक है। सो पेन कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट डे टू डे फंक्शनिंग, ऑब्वियसली पॉजिटिव इम्पैक्ट तो डालेगा नहीं, नेगेटिवली ही इम्पैक्ट डालेगा हमारे डे टू डे फंक्शनिंग में, जिस तरीके से हम रोज़ काम करते हैं, क्योंकि पेन है तो हम प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, सोशली भी, फैमिलियल एंड वर्क लाइफ, मतलब हमारे जो वर्क लाइफ है हम वहाँ पर भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, फैमिलियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि यहाँ पर भी हम पेन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं ऑफ द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग इट, ठीक है। इंडिविजुअल को जब पेन होता है तब ये सारी चीज़ों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इट ऑल्सो हैज़ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, कुछ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज भी होती हैं। पेन कैन बी कैरेक्टराइज एज, पेन को यहाँ पे कैरेक्टराइज किया है, सो पेन कैन बी प्रोग्रेसिव, मतलब प्रोग्रेसिव का मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। सो इट इज सॉरी दैट इज इट बिकम्स वर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये वर्स हो जाता है, मतलब बढ़ता ही जाता है और एक टाइम के बाद ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आर्थराइटिस, इट कैन बी इंटरमिटेंट, ये इंटरमिटेंट हो सकता है, मतलब टाइम टाइम पे फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब चेंजेस आ रही है, फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है, मतलब अभी पेन है तो फिर थोड़ी देर बाद नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद है, काइंड ऑफ दैट। सो इट फ्लक्चुएट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये फ्लक्चुएट होता रहता है, एंड इट्स इंटेंसिटी में ऑल्सो फ्लक्चुएट, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी भी जो है वो भी फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है। पेन कैन पेन कुड बी एसोसिएटेड विद एन इलनेस, पेन को हम एसोसिएट कर सकते हैं इलनेस से, दैट इज़ प्रोग्रेसिव, जो कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और इट्स अंडरलाइंग कॉज कुड बी मेलिग्नेंट, ठीक है, मतलब इसका जो अंडरलाइंग कॉज है वो मेलिग्नेंट हो सकता है या फिर हार्मलेस हो सकता है। मेलिग्नेंट का मतलब क्या होता है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम, एक ऐसा सीरियस प्रॉब्लम जिसकी वजह से एक इंसान की डेथ हो सकती है, काइंड ऑफ दैट, जैसे कि कैंसर हो गया। एंड हार्मलेस, हार्मलेस का मतलब यहाँ पर जो बेनाइन यूज़ किया गया ना, अगर पूछा मेलिग्नेंट या फिर बेनाइन के बारे में, सो बेनाइन का मतलब होता है कि लाइक नॉट डेंजरस, उतना डेंजरस नहीं है, हार्मलेस कुछ है तो उसको हम कहेंगे जिसका कोई बहुत बुरा परिणाम नहीं होगा। पर मेलिग्नेंट का मतलब क्या होता है कि लाइक एक सीरियस प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है, इसके डिफरेंस आ सकते हैं। पेन कुड ऑल्सो बी इंटरेक्टेबल, पेन इंटरेक्टेबल हो सकता है, दैट इज़ डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट, ठीक है, वो ट्रीटमेंट में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, ठीक है, वैसा भी होता है। इट कैन ऑल्सो भी रिकरेंट, ये रिकरेंट भी हो सकता है, दैट इज़ इट ऑकर्स एट रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल्स में ये होता है। पेन कैन ऑल्सो भी रिफर्ड दैट इट मे ओरिजिनेट इन वन एरिया ऑफ द बॉडी, बट इज़ परसीव्ड एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सम अदर एरिया, मतलब पेन कहीं और हो रहा है पर एक्चुअल प्रॉब्लम कहीं और है, मतलब बॉडी के एक ऐसे पार्ट में पेन हो रहा है जो कि जिसमें प्रॉब्लम नहीं है पर किसी और पार्ट में पेन हो रहा है, तो आपको प्रॉपरली पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम है कहाँ पर, बिकॉज पेन कहीं और हो रहा है और एक्चुअल प्रॉब्लम कहीं और है, ऐसा भी होता है। सो पेन कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक पेन,
पेन को भी यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है एज ऑर्गेनिक पेन, साइकोजेनिक पेन, अक्यूट पेन एंड क्रोनिक पेन। यहाँ पे अक्यूट पेन और क्रोनिक पेन के बारे में ही है ये पूरा टॉपिक, क्योंकि टॉपिक का नाम ही अक्यूट एंड क्रोनिक पेन है। पर यहाँ पे दो और है जो है ऑर्गेनिक पेन एंड साइकोजेनिक पेन, इनके बारे में भी देखेंगे। सो ऑर्गेनिक पेन इज अ रिजल्ट ऑफ टिश्यू डैमेज, कोई टिश्यू डैमेज या फिर प्रेशर की वजह से जो ऑर्गेनिक पेन है वो होता है। फॉर एग्जाम्पल पेन ड्यू टू स्प्रेन की वजह से कोई जो पेन होता है ना वो। इन साइकोजेनिक पेन, साइकोजेनिक पेन में क्या होता है कि कोई टिश्यू डैमेज नहीं होता है, द पेन इज मेनली ऑन आउटकम ऑफ अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल इशू, किसी साइकोलॉजिकल इशू का आउटकम होता है, मतलब साइकोलॉजिकल इशू की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई टिश्यू डैमेज नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द पेन एक्सपीरियंस थ्रू दो कैन बी टर्म्ड एज बीइंग बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स प्लेइंग अ रोल, मतलब कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे दोनों साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स दोनों ही रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दस ऑर्गेनिक एंड साइकोजेनिक पेन कैन बी परसीव्ड एज टू एंड्स ऑफ अ कॉन्टिनम, ठीक है। सो ऑर्गेनिक पेन और साइकोजेनिक पेन दोनों ही कॉन्टिनम के दो एंड्स हैं। सो पेन कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज एज अक्यूट एंड क्रोनिक पेन, यही तो टॉपिक है। सो हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं एज अक्यूट एंड क्रोनिक पेन। सो दैट आर द फोकस ऑफ द यूनिट, ये फोकस भी है यूनिट का एंड हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अक्यूट एंड क्रोनिक पेन, अक्यूट पेन कैन बी डिस्क्राइब एज पेन दैट इज एक्सपीरियंस ऑन टेम्पररी बेसिस, हाँ मतलब अक्यूट पेन जो वो चीज़ है जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक टेम्पररी बेसिस के लिए है, मतलब एक टेम्पररी एक इंसान इस चीज़ को फेस करेगा या फिर एक्सपीरियंस करेगा एंड कुड लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स, ठीक है, कुछ ही महीने तक ये लास्ट करेगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा, दैट इज़ लेस देन सिक्स मंथ्स, ठीक है। इसको हम लेस देन सिक्स मंथ्स में लेंगे, हम अक्यूट पेन उसको कहेंगे जो छः महीने से कम तक ये रुका है, ठीक है, जब पेन जो है वो छः महीने से ज़्यादा तक नहीं था, मतलब छः महीने के अंदर अंदर को हम लोग अक्यूट पेन कहेंगे। एज सच अक्यूट पेन कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट इज एसेंशियल एंड इज कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंजरी और डिजीज, मतलब जो अक्यूट पेन है हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं एज कोई साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ठीक है, दैट इज़ एसेंशियल एंड इज़ कॉज्ड एज अ रिजल्ट, ये होता है किसी रिजल्ट, मतलब ये एक रिजल्ट है किसी इंजरी का या फिर किसी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, ठीक है, अगर किसी इंजरी की वजह से है या फिर किसी डिजीज़ की वजह से, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से हो सकता है, ठीक है। सो ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। फ्रैक्चर्ड लिम्ब हो सकता है, लेबर पेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या फिर ब्रोसिस आर एग्जाम्पल ऑफ अक्यूट पेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो अक्यूट पेन का एग्जाम्पल्स है। देन आता है, सो इस पेन से रिलीफ पाने के लिए हम कोई फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं इस पेन से रिलीफ पाने के लिए, एंड इट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड, ये ज़रूरी है कि हम इसे अपने दिमाग में रखें, दैट अक्यूट पेन कैन ट्रांजिट इन टू क्रोनिक पेन, मतलब ये जो है ना, इट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड, ये चीज़ दिमाग में रखना चाहिए कि जो भी अक्यूट पेन है वो क्रोनिक पेन में ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब जो एक्यूट पेन है जो कि छः महीने तक रहना था पर उससे भी ज़्यादा है तो वो क्रोनिक पेन में कन्वर्ट हो जाएगा या ट्रांसिट हो जाएगा। सो दो अक्यूट पेन इज़ नॉट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, अक्यूट पेन जो होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं होता है, वो छः महीने से अंदर अंदर ही वो ठीक हो जाता है। सो द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम द पेन ऑफन एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, जो भी इंडिविजुअल सफ़र कर रहा होता है ना इस पेन से, तो वो उसको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो सकता है एटलीस्ट टिल द पेन लास्ट, ठीक है, जब तक वो पेन ख़त्म नहीं हो जाता एटलीस्ट तब तक तो ऐसा होता है, ठीक है। देन आता है क्रोनिक पेन, ऑन द अदर हैंड इज एक्सपीरियंस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब क्रोनिक पेन जो होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, मतलब छः महीने से ज़्यादा, इट डज नॉट गो अवे इवन आफ्टर सिक्स मंथ्स, ठीक है, ये मतलब छः महीने के बाद भी ये नहीं जाता है, ये तो रह ही जाता है, तो मतलब छः महीने से ज़्यादा अगर पेन है तो उसको हम लोग क्रोनिक पेन कहेंगे। इंडिविजुअल्स विद क्रोनिक पेन मे ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सो जो क्रोनिक पेन में जो इंडिविजुअल है वो मतलब जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से भी वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं देगा, मतलब उसमें कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि एज हम उस क्या बोलते हैं अक्यूट पेन के लिए तो हम लोग फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूज़ करते थे, पर इसमें वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। कैंसर एंड आर्थराइटिस आर एग्जाम्पल ऑफ क्रोनिक पेन, कैंसर हो सकता है या आर्थराइटिस जो होता है वो एग्जाम्पल है क्रोनिक पेन का।
आर फर्दर इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक पेन नॉट ओनली एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस बट मे ऑल्सो डिस्प्ले साइंस ऑफ हेल्पलेसनेस एंड लैक ऑफ होप. ठीक है, सो जो इंडिविजुअल सफर कर रहे हैं क्रोनिक पेन से, मतलब 6 महीने से ज़्यादा हो गया है पर पेन ठीक नहीं है, एंड वो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस तो एक्सपीरियंस करेंगे ही क्योंकि वो तो अक्यूट वाले भी कर रहे थे. पर यहाँ पे क्या होगा कि वो कुछ ऐसा साइंस भी दिखा सकते हैं जैसे कि हेल्पलेसनेस हो गया या फिर लैक ऑफ होप, मतलब होप नहीं है उनके अंदर ठीक होने की. सो दे मे नॉट गेट प्रॉपर स्लीप, वो उनको प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पा रही है विच लेड टू एग्जॉस्टन एंड फटीक, मतलब वो यू नो वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, फटीग हो चुके हैं, उनको नींद नहीं आ रही प्रॉपरली एंड पेन इवन लेड्स टू डिस्ट्रप्शन ऑफ स्लीप. ठीक है, पेन की वजह से लाइक स्लीप भी प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, नॉट ओनली ड्यू टू डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस के कारण से ही नहीं दैट इट कॉजेस, बट ऑल्सो ड्यू टू द वरी, मतलब जो वो चिंता करे उसकी वजह से भी, एंड डिस्ट्रप्शन डिस्ट्रप्टिंग थाट्स, लाइक कुछ डिस्ट्रप्टिंग थाट्स है दैट द इंडिविजुअल इज पेन एक्सपीरियंस, लाइक इंडिविजुअल्स इन पेन एक्सपीरियंस, लाइक जो इंडिविजुअल पेन एक्सपीरियंस कर रहा है वो जो चिंता कर रहा है या फिर जो डिस्ट्रप्शन थाट्स आ रहे हैं उन सब चीज़ों की वजह से. सो फर्दर डिस्ट्रप्शन ऑफ स्लीप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विल लेड टू इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस एंड दे मे ऑल्सो बिकम मोर सेंसिटिव टू पेन. ठीक है, सो जो कम वो सो रहे हैं या नींद कम आ रही है और अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम तक चलेगा सो वो इंडिविजुअल जो है वो एक्सपीरियंस करेगा कुछ नेगेटिव इमोशंस एंड दे मे ऑल्सो बिकम मोर सेंसिटिव, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे पेन के लिए. ठीक है, मतलब वो ज़्यादा सेंसिटिव होते जाएंगे पेन के लिए. As a result of chronic pain, the day-to-day functioning of individual experiencing it also gets disturbed. Disturbed and they are not able to focus on their life and career goals. ठीक है, सो जो chronic pain में है obviously उनकी day-to-day functioning या फिर जो activities है उस पर तो effect पड़ेगा ही. ठीक है, but it also gets disturbed and they are not able to focus, वो ढंग से focus नहीं कर पाएंगे अपनी life में, अपनी career goals में, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो रुक सी जाती हैं because obviously वो अगर chronic pain में है, मतलब वो 6 months से ज़्यादा pain में है and obviously वो उसका मतलब psychologically भी ही इज़ नॉट वेल और ही और शी इज़ नॉट वेल, तो फिर वो काम कैसे कर सकते हैं, वो लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने करियर गोल्स में कैसे ध्यान दे सकते हैं. सो वो सारी चीज़ें जो है वो रुक सी जाती हैं. इनफैक्ट पेन टेक्स अ सेंट्रल पार्ट सेंट्रल प्लेस इन देयर लाइफ. ठीक है, पेन जो है एक सेंट्रल प्लेस ले लेता है उनकी लाइफ में. सो दे आर फंक्शनल इम्प्लीकेशंस एज वेल. यहाँ पे कुछ फंक्शनल इम्प्लीकेशंस भी आ जाती हैं, ऐसे इंडिविजुअल आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर जॉब्स, वो जॉब्स भी ढंग से मेंटेन नहीं कर पाते, मतलब वो जॉब पे नहीं जा सकते ड्यू टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, मतलब फिजिकली तो उनको प्रॉब्लम है ही बट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह से भी वो जॉब पे प्रॉपरली नहीं जा सकते एंड ऑल्सो बिकॉज द ट्रीटमेंट कुड बी एक्सपेंसिव. ठीक है, और ट्रीटमेंट भी एक्सपेंसिव होता है ना, सो उनको जॉब पे जाना पड़ेगा टू अर्न मनी एंड एक्चुअली ट्रीटमेंट के लिए भी उसको पैसों की ज़रूरत होगी एंड दैट्स व्हाई ये सारी डिस्ट्रेस जो होती है वो हो रही है. द इफेक्ट ऑफ क्रोनिक पेन एज एक्सपीरियंस्ड बाय द इंडिविजुअल, जो इफेक्ट है क्रोनिक पेन का जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कर रहा है विल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग. ठीक है, वो ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा. तो वो इफेक्ट्स क्या क्या है, वेदर द अंडरलाइंग कॉज इज़ हार्मलेस, या तो वो अंडरलाइंग कॉज जो है वो हार्मलेस होगा, मतलब बेनाइन होगा, या फिर हार्मफुल होगा, मतलब मैलिग्नेंट होगा एंड गेटिंग वर्स. ठीक है, और वो धीरे धीरे बहुत बुरा होता जा रहा है. ठीक है, या तो हार्मलेस होगा, हार्मलेस का मतलब बेनाइन, वो मैंने पहले बताया था, एंड हार्मफुल मतलब मैलिग्नेंट. सो इट इफ़ द डिस्ट्रेस एक्सपीरियंस इज़ कंटिन्यूस, अगर वो डिस्ट्रेस जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है अगर वो कंटिन्यूस है नेचर में एंड इट इज़ एक्सपीरियंस इन एपिसोड्स में हो रहा है, मतलब प्रॉपरली एक साथ नहीं हो रहा है बट एपिसोड वाइज हो रहा है, दैट आर इंटेंस इन नेचर, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस है एंड अकर फ्रिक्वेंटली. ठीक है, मतलब फ्रिक्वेंटली होए जा रहा है, मतलब अभी है, बाद में नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद है, फिर नहीं है, और वो इंटेंस भी है. सो इसीलिए मतलब ये जो चीज़ें हैं ना वो भी आ जाती है और वो फ्रिक्वेंटली हो रहा है. सो बेस्ड ऑन अबव क्रोनिक पेन कैन बी कैटेगराइज, सो हम लोग क्रोनिक पेन को भी कैटेगराइज कर सकते हैं. सो क्रोनिक रिकरेंट पेन, सो क्रोनिक रिकरेंट पेन क्या होता है, हियर द अंडरलाइन कॉज इज़ हार्मलेस, ये जो इसका जो अंडरलाइन कॉज है वो हार्मलेस है, मतलब वो बेनाइन है. दो देयर आर एपिसोड्स ऑफ पेन, यहाँ पे कुछ एपिसोड्स ऑफ पेन आती है, मतलब कभी है कभी नहीं है, दैट आर इंटेंस इन नेचर, जो कि इंटेंस भी होता है नेचर में एंड अकर फ्रिक्वेंटली होता रहता है, जैसे कि माइग्रेन हेडेक्स अगर आपको नहीं पता तो कभी मतलब सर बहुत ज़्यादा दुखता है और उसके बाद फिर वो सब हर समय नहीं दुखता है, मतलब वो ठीक
ठीक भी होता है, मतलब प्रॉपरली पेन नहीं है ऐसा भी होता है, फिर अगेन वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, देन अगेन वो पेन बिल्कुल से रुक जाता है। तो यू नो ऐसा होता रहता है, एपिसोड वाइज होता है, मतलब कभी है कभी नहीं है, काइंड ऑफ दैट। और ये बहुत ज़्यादा होता है क्रोनिक इंटरएक्टेबल बेनाइन पेन, ठीक है। सो हियर द अंडरलाइन कॉज इज हार्मलेस, अगेन यहाँ पे जो अंडरलाइन कॉज है वो हार्मलेस है, बट द पेन एक्सपीरियंस्ड इज कंटिन्यूअस इन नेचर, जो पेन वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस होता है नेचर में। फॉर एग्जांपल बैक पेन होता ही रहता है, कंटिन्यूअस है। एंड क्रोनिक प्रोग्रेसिव इलनेस, यहाँ पे जो क्रोनिक प्रोग्रेसिव इलनेस है मतलब धीरे धीरे वो बढ़ता ही जा रहा है। हियर द अंडरलाइन कॉज इज हार्मफुल, यहाँ पे जो अंडरलाइन कॉज है वो हार्मफुल है। एंड द डिस्ट्रेस एक्सपीरियंस इज कंटिन्यूस इन नेचर, ठीक है, जो डिस्ट्रेस वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो भी कंटिन्यूस है नेचर में। फॉर एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड कैंसर, ओके, इसको रूमेटॉइड बोलते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड कैंसर, ओके, ये बायो वाले ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। सो पेन कैन इंटरफेयर विद द ट्रीटमेंट, पेन जो है वो इंटरफेयर करता है ट्रीटमेंट के साथ। एंड ऑल्सो हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एडजस्टमेंट प्रोसेस, मतलब इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है एडजस्टमेंट प्रोसेस के टाइम पे। तो पेन कैन बी मेजर्ड यूजिंग टूल्स लाइक सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज, सेल्फ रिपोर्ट एंड इन्वेंटरीज के थ्रू भी हम मेजर कर सकते हैं, लाइक कुछ टूल्स का यूज़ करके पेन को हम मेजर कर सकते हैं। सो दैट इज़ द पर्सन अंडर गोइंग पेन इज़ आस्क टू डिस्क्राइब द पेन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को, मतलब जो पर्सन है जो उसको पेन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाता है उस पेन को। सो इन्वेंटरीज एंड क्वेश्चनएयर, इन्वेंटरीज और क्वेश्चनएयर है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं ऑन बिहेवियरल मैनर्स, सॉरी मेजर्स। तो ये बिहेवियरल मैनर्स के लिए है। सो जो इन्वेंटरीज और क्वेश्चनएयर है वो हम यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन बिहेवियरल मेजर्स दैट कंस्टिट्यूट फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस। सो ये भी जो है, सो ये जो बिहेवियरल मेजर्स है जो कि कंस्टिट्यूट करता है जो भी फिजिकल सिम्टम्स है, जो कि फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स है और फिजिकल सिम्टम्स है, एंड या फिर उसका वर्बली मतलब वर्ड्स का यूज़ करके भी, और इवन नॉन वर्बल जो एक्सप्रेशंस है उसके थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं। फर्दर जो फिजियोलॉजिकल मेजर्स है कैन ऑल्सो भी यूज टू मेजर पेन, ठीक है। जो फिजियोलॉजिकल मेजर्स है हम उसको मेजर करने में मदद ले सकते हैं, लाइक जो भी पेन है। सो वेयर पेन इज़ मेजर्ड बेस्ड ऑन टेम्परेचर ऑफ द स्किन, क्या होता है कि लाइक हम इसको मेजर कर सकते हैं थ्रू हम टेम्परेचर, जो स्किन का टेम्परेचर है उसको मेजर करके, हार्ट रेट को मेजर करके, टेंशन इन मसल, ये सारी चीज़ें जो हमें दिख रही है फिजियोलॉजिकली हम इन सब चीज़ों से भी पता लगा सकते हैं। सो दिस मे नॉट बी अ वैलिड वे टू मेजर पेन एज कम्पेयर टू द अदर टू, ठीक है। इसको हम लोग ज़्यादा मतलब वैलिड नहीं मानते हैं बिकॉज ये उतना भी अच्छा तरीका नहीं है, या फिर मेजर नहीं है टू मेजर पेन को। सो ये उतना भी वैलिड नहीं है, जैसे कि ऊपर के दो जो थे वो वैलिड थे और ये उतना भी वैलिड नहीं है, ठीक है। सो वेरियस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग स्ट्रेस कैन हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द वे पेन इज एक्सपीरियंस, तो बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो भी, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, कैन हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द वे पेन इज़ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये भी इन्फ्लुएंस डाल सकता है कि लाइक जो पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो इंडिविजुअल्स अंडरगोइंग स्ट्रेस आर मोर लाइकली टू कंप्लेन ऑफ पेन, ठीक है। सो जो इंडिविजुअल स्ट्रेस में है वो उसका चांसेस ज़्यादा होता है कि वो पेन के लिए कंप्लेन करे, जैसे कि हेडेक हो गया, स्टमक एक हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। सो फर्दर लर्निंग ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द वे वी रिएक्ट टू एन इंजरी और इलनेस, ठीक है। सो लर्निंग भी जो होता है वो भी एक रोल प्ले करता है कि लाइक कैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं इंजरी पे या फिर इलनेस पे। सो वी मे लर्न दिस रिएक्शंस थ्रू ऑब्जर्वेशन, हम इन रिएक्शंस को थ्रू ऑब्जर्वेशन सीख सकते हैं। सो पेन मे ऑल्सो एलिसाइड पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। सो पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट होता है दूसरों के द्वारा उस पेन के लिए,
एंड द इंडिविजुअल अंडर पेन, जो इंडिविजुअल पेन में है वो रिसीव करता है अटेंशन, मतलब दूसरे जो उसको अटेंशन दे रहे हैं उसको रिसीव करता है। अदर्स एक्सप्रेस देयर कंसर्न टूवर्ड्स हिम और हर, ठीक है, दूसरे जो होते हैं वो कंसर्न दिखाते हैं उस इंसान के ऊपर। सो ऑल्सो एक्टिविटीज़ दैट इंडिविजुअल एसोसिएट विद पेन, लाइक जो भी एक्टिविटीज़ है जो इंडिविजुअल एसोसिएट कर रहे हैं पेन के साथ, आर अवॉइडेड बाय देम, ठीक है, जो कि अवॉइड किया जाता है उनके द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ इंडिविजुअल गेट्स अ स्टमक एक, अगर एक इंडिविजुअल को स्टमक एक है आफ्टर कंज्यूमिंग सर्टेन फूड आइटम्स, ठीक है, कुछ खाना खाने के बाद, कुछ फूड आइटम्स लाइक जंक फूड हो सकता है, अगर उसको खाने के बाद उसको स्टमक एक है, ही और शी इज़ लाइकली टू अवॉइड द सेम इन फ्यूचर। ऐसा हो सकता है कि लाइक वो नेक्स्ट टाइम अवॉइड करे फ्यूचर में कि वो वैसे जंक फूड को ना खाए ड्यू टू फियर ऑफ पेन, ठीक है, पेन के फियर में वो जंक फूड खाना बंद कर दे। एक्सपीरियंसिंग पेन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल परसेप्शन अबाउट हिम और हर ऑफ हिज और हर ओन कैपेसिटी टू बेयर और कोप विद द पेन। सो जो पेन एक्सपीरियंस कर रहा है वो डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल का जो परसेप्शन है उस पेन का, या फिर वो कैपेसिटी का जो वो बियर कर सकता है या कोप कर सकता है पेन से, ठीक है, उससे भी मतलब उसके कैपेसिटी से भी, इससे भी डिपेंड करता है। फर्दर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग एनजाइटी, अगर बाद में जो अगर आगे देखें तो इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस कर रहा है एनजाइटी या फिर डिप्रेशन आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस पेन, ठीक है, वो ज़्यादा लाइकली होते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं पेन को एक्सपीरियंस करने के लिए जो कि एनजाइटी या फिर डिप्रेशन में है। एंड द अदर वे इज़ ऑल्सो ट्रू, दूसरी तरफ भी वो भी ट्रू है, वेयर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग पेन, जहाँ पे दूसरी तरफ क्या है कि लाइक जो इंडिविजुअल जो पेन एक्सपीरियंस कर रहा है मैं एक्सपीरियंस एनजाइटी एंड डिप्रेशन, ठीक है, मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है, जो इंसान पेन में है उसको एनजाइटी एंड डिप्रेशन हो सकता है, और अगर किसी को एनजाइटी या डिप्रेशन है तो वो ज़्यादा लाइकली हो जाते हैं पेन को एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है। सो ट्रीटमेंट फॉर पेन इंक्लूड मेडिकेशन एंड सर्जरी, ट्रीटमेंट में जो ट्रीटमेंट है जो पेन के लिए उसमें मेडिकेशन भी हो सकता है, मतलब मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है या फिर सर्जरी से भी। सो फिजियोथेरेपी, जो कि फिजिकल थेरेपी है, इज़ ऑल्सो ऑफन यूज इन ऑर्डर टू हेल्प इंडिविजुअल्स गेन रिलीफ फ्रॉम पेन, ठीक है, जो फिजिकल थेरेपी है फिजियोथेरेपी, उससे भी लाइक उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं इंडिविजुअल को हेल्प करने के लिए ताकि उसको रिलीफ मिल सके पेन से। वेरियस बिहेवियरल एंड कोग्निटिव मेथड्स, कुछ बिहेवियरल या कोग्निटिव मेथड्स भी हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, टेक्निक्स टू रिड्यूस फियर एसोसिएटेड विद पेन, लाइक हम जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ भी यूज़ कर रहे हैं जिससे कि फियर कम हो सके, जो कि लाइक पेन से एसोसिएटेड है, मतलब पेन से रिलेटेड है, कैन ऑल्सो भी हेल्पफुल, ठीक है, ये भी हेल्पफुल हो सकता है। सो जो रिलैक्सेशन टेक्निक है एंड बायोफीडबैक है कैन ऑल्सो भी यूज बिसाइड्स इंटरपर्सनल थेरेपी एंड ग्रुप थेरेपी साइकोथेरेपी, ठीक है। सो यहाँ पे जो रिलैक्सेशन टेक्निक है जो हम लोगों ने पढ़ा है और जो बायोफीडबैक है उसके थ्रू भी वो भी हम यूज़ कर सकते हैं बिसाइड्स इंटरपर्सनल थेरेपी, जो कि इंटरपर्सनल थेरेपी है या फिर जो ग्रुप साइकोथेरेपी है उसके बिसाइड। सो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स, जो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स है कैन ऑल्सो यूज़ फॉर पेन रिलीफ, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं पेन रिलीफ के लिए। देखो कितने सारी चीज़ें हैं, हम रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, बायोफीडबैक यूज़ कर सकते हैं, इवन मेडिकेशन है, थेरेपीज तो है ही, और इवन सर्जरीज के थ्रू भी यहाँ पे आ गया है मल्टी डिसिप्लिनरी और प्रोग्राम्स, ये सब की वजह से भी हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें भी लाइक हम पेन रिलीफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दिस प्रोग्राम्स कैन बी टर्म्ड एज मोस्ट इफेक्टिव एज दे कंबाइन मल्टीपल अप्रोचेस। सो ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये टर्म दिया गया है कि लाइक ये बहुत ही ज़्यादा लाइक इस चीज़ को कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, दे कम्बाइन मल्टीपल अप्रोचेस, यहाँ ये जो ना इसमें बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं इंक्लूडिंग मेडिकल साइकोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड वोकेशनल अप्रोचेस, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। सो इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं उसकी वजह से इसके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेन ऑर्गेनिक एंड साइकोजेनिक पेन, ये तो आपको पता है, लिस्ट द थ्री कैटेगरीज ऑफ क्रोनिक पेन, तीनों कैटेगरीज प्रॉपरली लिखी हुई है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।